क्योंकि जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में जानते हैं तो हम प्रेम के सिवा और कुछ पाते नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ भेद नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ मिलन ही मिलन है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक प्रार्थना के रूप में एक शेर कहा, जो अपने सद्गुरु से कहा, जब उन्होंने देखा कि कैसे धर्मों के कारण हम सब बिखर से गए हैं, अलग अलग से हो गए हैं, बट गए हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हर्मो दैर में बट जाते हैं रिंदाने वफा। रिंद सीकर को कहा है, अगले पीने वाले को कहा है, जो रूहानी शराब पीते हैं, जो प्रभु के प्रेमी हैं, हर्मो दैर में बट जाते हैं रिंदाने वफा। कि वो इंसान जो कि वफा करना चाहता है, वो इंसान जो प्रभु को पाना चाहता है, वो इंसान जो प्रेम से रहना चाहता है, वो इंसान जो खुशी से रहना चाहता है, वो इंसान जो जिंदगी के मकसद को पाना चाहता है, कि हर्मो दैर में बढ़ जाते हैं रिंदाने बाबा, कि वो इंसान अपने अपने धर्मों के लिहाज से अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म को वो भारी रूप से ही देखते हैं। अगर हम औरों के धर्म को समझ लें तो हम जान लेंगे वो हम जैसे ही हैं, लेकिन क्योंकि हम समय निकालते नहीं, हम सोचते हमारा धर्म सबसे अच्छा है और किसी धर्म को समझने की कोशिश नहीं करते, हम सोचते हैं कि उसमें कुछ खराबी होगी। इसी नासमझी में हम बटे हुए अलग अलग हैं। तो फरमा रहे कि हर्मो दैर में बट जाते हैं रिंदाने वफा, हर्मो दैर की तफरीक मिटा दे सके। कि हे मेरे सदगुरु, आप इतनी दया मेर करो कि जो हम बट जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग धर्म स्थानों में जाते हैं, हम सब जुड़ जाएं। वो कैसे होगा, कब होगा? जब हम सब अपने आप को अपने सही रूप में जानेंगे। अगर अपने धर्म को सिर्फ भारी रूप में ही हमने पालन किया, जिसे एक्सोटेरिक टीचिंग कहा जाता है, कि जो भारी रूप से अपने धर्म को फॉलो करना, कि अपने धर्म स्थान पर जाना, वहां पर क्या करना, कहीं पे दिया जलाना है, कहीं पे पानी से हाथ धो के जाना है, कहीं पे बूट उतार के जाना है, कहीं पे सिर को कवर करना है, ये अलग अलग चीजें अलग अलग धर्म स्थानों में है। अगर सिर्फ उस तक ही रह गए तो जो धर्म की बुनियाद है, अगर उस गहराई तक ही नहीं गए, जिसे एजोटेरिक टीचिंग कहा जाए, जो कि अंदर का रास्ता है, जो अनुभव का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, शरीर से ऊपर उठने का रास्ता, अगर उस तक कदम नहीं बढ़ाए तो फिर हम बटे के बटे रह जाएंगे। अब उस तक पहुंचे कैसे, जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म हमें मिलती है, जब उनकी दया दृष्टि पड़ती है हम पर, जब वो अपनी तवज्जो देते हैं, तो क्या होता है, ये शिव नेत्र जो दो आंखों के बीच में है, ये खुल जाता है। अभी ये हम सबके लिए बंद है, ये किवाड़ बंद है, लेकिन जब हमारे सद्गुरु दया दृष्टि हम पर पड़ती है, उनकी नजर कर्म होती है, अपनी तवज्जो देते हैं, जिसे नाम की देन कहा गया, तो ये द्वार खुलता है। और जब ये खुलता है तो क्या होता है, रोशनी रोशनी, ध्वनि ध्वनि हमारे अंदर गूंजनी शुरू हो जाती है। तरह तरह की रोशनियां आप अपने अंदर देखते हैं, तरह तरह की ध्वनि को सुनते हैं, और उसके जरिए शब्द के साथ हम अंदर की दुनिया में अपने सदगुरु की मदद से उड़ान करना शुरू कर देते हैं। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो सुंदरता से भरपूर है, वो दुनिया जो चेतन है, जहां हम और चेतन होते चल जाते हैं, और चेतन होते चल जाते हैं, और चेतन होते चल जाते हैं। जितने चेतन हम होंगे उतना ही हम देखेंगे
कि जिंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। जितना आप और चेतन होते जाओगे उतने ही आप और कॉन्शियस हो गए तो आपकी जिंदगी प्रेम से गुजरेगी। जब असलियत की जानकारी हो तो फिर धोखे फरेब में हम फंसते नहीं। जब तक हमें मालूम ना हो कि असलियत क्या है तो जो कुछ हमारे सामने हम उसे असली समझ पाते हैं। लेकिन जब एक बार असलियत का हमें अनुभव हो जाए तो फिर कोई भी चीज हमें उस असलियत को पाने से रोक नहीं सकती। असलियत हम सबके भीतर है, हमसे कहीं दूर नहीं। पिता परमेश्वर कहीं आसमान में नहीं या पहाड़ पर नहीं या समुद्र में नहीं, हम सबके भीतर है। हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में झांकना है, ध्यान अंदर की और करना है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि जहां हम जी रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वहां पर हमारे अनुभव का असर औरों तक भी होना शुरू हो जाएगा। अगर हम में बदलाव आएगा तो उसका असर औरों तक भी होगा। और एक चेन से बहुत बदलना शुरू हो जाता है। जब भी हम अपने आप को सिर्फ भारी रूप में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि 6 बिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं, अगर एक ने कुछ बदल भी दिया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अपने आप को आध्यात्मिक रूप में देखें तो हम जानेंगे कि जब हम अपने आप को अपने आत्मिक अवस्था में अनुभव कर रहे हैं तो फिर हमें ये यकीन हो जाएगा कि और भी अनुभव कर सकते हैं। और जब अंदर से हम प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ते हैं, श्रुति के साथ जुड़ते हैं, तो बाहर जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। हाँ, पिछले कई सालों में एक नई फील्ड जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस की फील्ड कहा गया, वो लोग जो मौत के बहुत करीब आए, अपने आप को शरीर से उन्होंने अलग पाया, अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जहां ज्योति ज्योति थी, उस अनुभव के बाद 10 साल बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ, जब ये रिसर्च की गई तो देखा गया कि सबकी जिंदगी में बदलाव आ गया। सब लोग अपने धर्म स्थानों पर ज्यादा जाना शुरू हो गए, उन्होंने अपने प्रोफेशन भी बदल दिया, ऐसे प्रोफेशन ले जो के लोगों को मददगार हों, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे कम्युनिटी सर्विस की फील्ड हो, उनके जरिए जिनके अंग संग थे उनकी जिंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो गया। तो जब ये अनुभव जो इन लोगों को चंद सेकंड के लिए हुआ था उससे इतना बदलाव आ जाता है, तो आप सोच सकते हो कि जब हम ध्यान टिकाते हैं और जब हम कई और कॉन्शियस स्टेट में पहुंचते हैं जो कि और भी हमें और चेतन कर देती हैं। ये लोग जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस है तो सिर्फ फिजिकल और एस्ट्रल के बीच में पहुंचे, शरीर से जरा ही उठे थे, लेकिन हम अपने सदगुरु की मदद से पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, उसको पार करते सचखंड में पहुंच सकते हैं। तो वो जो अनुभव है अंदर की दुनिया में जाने का, उससे हमारे अंदर जब बदलाव आता है से हम देखते हैं कि प्रेम की प्रवाह दूर दूर तक जानी शुरू हो जाती है। हमें ये प्रण करना चाहिए
कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम तेजी से चलें। वो रास्ता जो प्रेम का रास्ता है उसको अपनाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन जो फरमाया करते थे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या था कि एक बनो नेक बनो, कि एक ही का रास्ता इख्तियार करें, प्रभु से एक में होना है, प्रभु से एक में होने के लिए नेकी का रास्ता चाहिए, कि हमारे अंदर सद्गुण भरे हुए हों, हम सच्चाई से जिए, नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हमारी जिंदगी एक पवित्र जिंदगी हो। जब नेकी का रास्ता अपनाएंगे तो फिर एकी की ओर बढ़ पाएंगे। हम जाने कि हमारी एकता, हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से हो सकता है, हम सब वहां पहुंच सकते हैं। और जब ऐसी जिंदगी जिएंगे तो फिर अपनी मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो रास्ता हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, क्योंकि पिल्ली सेंची के महापुरुषों हैं, जो रास्ता इन महापुरुषों ने दिखाया है उस रास्ते को हम अपनाएं, उसको जिंदगी में ढालें, उस रास्ते पर तेजी से चलें। ये ना हो कि यहां से सुने यहां से निकाल दें। वो एक वाक्य है जो एक राजा की जिंदगी का है। एक राजा था तो अपनी जगह में, उनके वहां जहां रहा था वहां पे एक्सकवेशन चल रही थी, तो खोद रहे थे देखने के लिए नीचे क्या है। देखा तीन धड़ मिले, सिर मिले, तीन अलग अलग। तो राजा ने अपनी कैबिनेट को बुलाया, जितने मनीषन को बुलाया, तो कहा कि मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे सियाणा कौन था, अकलमंद कौन था। तो कैबिनेट में से सोचा है तो राजा ने बड़ा मुश्किल काम दे दिया, ये तो मरे हुए हैं, खाली सिर है, तो कैसा पता करें कि सबसे अकलमंद कौन था इनमें से। बड़ा सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। कई दिन लगे, एक मिनिस्टर था उसको ध्यान में आया, उन्होंने राजा को आके कहा कि मैंने पता कर लिया कि कौन इनमें से सबसे स्मार्ट कौन था, सबसे अकलमंद कौन था, ज्ञानी कौन था इनमें से। तो राजा ने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो कहा दिखाओ, तो उसने तीनों सिर यहां रख दिए, एक दो तीन। उन्हें एक तीला लिया, तो पहला जो सिर था उसके कान में से डाला, तो तीला डाला इधर से, वो इस तरफ से निकल गया कान से। उनका जो ये है, ये इंसान बहुत समझदार नहीं था। तो राजा पूछा क्यों, क्या देखो ये जो सुनता था इस कान से वो उस कान से निकल जाता, तीला यहां से गया यहां गया सीधा। तो अगर इस इंसान ने अच्छी बातें सुनी भी तो उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यहां से सुनी तो यहां से निकल गई, ये बात सुनी इधर कर दी, वो बात सुनी उधर कर दी, तो ये इंसान कुछ समझदार नहीं था। तो राजा ने कहा अच्छा, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसने तीला यहां से डाला, यहां से गया, कान में से मुंह में से निकला। तो राजा ने पूछा ये कैसा था इंसान, ये थोड़ा सा समझदार था उससे। इनका थोड़ा सा समझदार क्यों था भाई, ये जो सुना इसने उसका बोलना शुरू करा, तो अगर अच्छी बात सुनी तो बोला किसी और तक को अच्छे लफ्ज गए, तो थोड़ी सी अकलमंदी इसने करी,
तो राह ने ठीक है तीसरा क्या है, तो तीर में तीला डाला वो निकले ही नहीं बाहर, वो अंदर जाई जा रहा अंदर जाई जा अंदर जाई जा रहा, सारा तीला चला गया अंदर। तो राजा ने कहा इसका क्या मतलब है, तो कहते ये सबसे समझदार था। तो राह ने पूछा क्यों, कहते देखो इसने जो सुना जस्ट कर लिया, उसके अंदर गया, अंदर गया उसकी समझ में आई, उससे उसमें कोई बदलाव आएगा। तो हमें भी सोचना है कि हमने किस किस्म का धड़ बनना है, कि एक दिन तो हमने सबने चले जाना है। और अगर हम वैसे बने कि कुछ सुना इधर से और उधर से निकाल दिया, तो फिर ये सुनहरा मौका जो हमें मिला हमारे हाथ से गुजर जाएगा। और बहुत से लोग होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, फिर घर में जाके सारी कहानियां सुनाते हैं सबको, आज मैंने यहां पे ये सुना, आज मैंने ये सुना, आज मैंने, करते कुछ नहीं, बदलते नहीं है, फिर वही गुस्सा कर देना, फिर वो लड़ाई कर देना, फिर वही दंग फसाद कर देना, फिर किसी को यहां पे खराबी कर देना, किसी को वहां पे खराबी कर दी। मगर वो बोलते बहुत अच्छा है, जो भी सुनते हैं उसको बड़े अच्छी तरह से लोगों को सुनाते हैं, उनका कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता, उनके जरिए शायद किसी और को मदद मिल जाए। लेकिन सबसे ज्ञानी सबसे समझदार वो है जो को अच्छी बात सुनता है उसको जज करता है, उसको अपने अंदर जाने देता है, ताकि उससे उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज आए, ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो। जब उसकी जिंदगी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास की सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब ये तीसरे धड़ के माफक हों, जो हम सुने जो सीखें उसको ग्रहण करें, उसको जिंदगी में डालें, ताकि हम में एक बदलाव आए, हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर उठें और हम अपनी मंजिल को इसी जिंदगी में पालें।